हरियाणा के करनाल में एक बार फिर किसानों पर हुए लाठीचार्ज से सियासत गर्मा गई है, लेकिन उसके पीछे गाज सच क्या है और आखिर पुलिस को एक्शन क्यों लेना पड़ा, जरा सुन लीजिए हरियाणा लॉ एंड ऑर्डर ADGP नवदीप सिंह का यह बयान। आज 28 अगस्त को करनाल में जो बसाड़ा टोल प्लाजा पे घटना हुई है उसके बारे में मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। सुबह करीब 12 बजे वहां कुछ किसान प्रदर्शनकारी जो मौजूद थे उन्होंने जबरदस्ती नेशनल हाईवे को जाम किया और जबरदस्ती करनाल शहर की तरफ जाने की कोशिश की। जब उनको वहां पे मौजूद कर्मचारियों ने अधिकारियों ने समझाया कि आप वहां नहीं जा सकते हैं तो उसके बाद उन्होंने उग्र एक रूप ले लिया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पे पत्थर फेंके, कुछ लोगों ने कसी वगैरह से भी अटैक करने की कोशिश की। उसके बाद नियमानुसार पुलिस बल ने एक हल्का बल प्रयोग किया और उनको वहां से हटाया। इस विषय में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 किसान भाइयों को चोट आई है और 10 पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है। इस विषय में मैं आपको कुछ बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 7 जून 2021 को टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ लीडर्स के साथ हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने हमें एक लिखित आश्वासन दिया था कि आगे से हम कभी भी उग्र रूप नहीं धारण करेंगे अपने प्रदर्शन का और शांतिप्रिय ढंग से हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उसके बाद काफी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें उन्होंने वायलेंट मीन्स का सहारा लिया है और जब भी एक कोई भी प्रदर्शन वायलेंट पर उतर आता है तो पुलिस की एक ये ड्यूटी बनती है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।